गाइज, हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस की बहुत यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि मुझे चोरी करने का अफसोस है, मुझे झूठ बोलने का अफसोस है, मुझे पैसा ना बचाने का अफसोस है। सो गाइज, इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है गाइज? अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस की होंगी इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है अफसोस होना। अफसोस होना इसे हम इस प्रकार भी कहते हैं, दुख होना, पश्चाताप होना। इसके लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो है रिग्रेट। चलिए इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद रिग्रेट या फिर रिग्रेट्स, इसके बाद आपको यूज़ कर देने हैविंग, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, रिग्रेट्स आप यूज़ करेंगे ही सी नेम के पास, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास। रिग्रेट आप यूज़ करेंगे रेस्ट पर्सन के पास। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और बेसिक क्लियर हो जाए। मुझे सॉस ना बोलने का अफसोस है। आई रिग्रेट नॉट हैविंग स्पोकन द ट्रूथ। आई रिग्रेट नॉट हैविंग स्पोकन द ट्रूथ। देखिए, ये सेंटेंस नेगेटिव में था, इसलिए हमने रिग्रेट के बाद नॉट का यूज कर दिया। मुझे गाली देने का अफसोस है। आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड। आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड। मुझे झूठ बोलने का अफसोस है। आई रिग्रेट हैविंग टोल्ड अ लाई। आई रिग्रेट हैविंग टोल्ड अ लाई। मुझे पैसा ना बचाने का अफसोस है। आई रिग्रेट नॉट हैविंग सेव्ड मनी। आई रिग्रेट नॉट हैविंग सेव्ड मनी। मुझे चोरी करने का अफसोस है। आई रिग्रेट हैविंग स्टॉलन। आई रिग्रेट हैविंग स्टॉलन। मुझे गाली देने का अफसोस है। आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड। आई रिग्रेट हैविंग अब्यूज्ड। उसे लड़ाई करने का अफसोस है। ही रिग्रेट्स हैविंग फॉट। ही रिग्रेट्स हैविंग फॉट।